Then next card is the health card. इसमें आप देखेंगे एक स्नेक स्वर्ल होता दिखाई दे रहा है एक स्टिक के ऊपर. ये पुराने जमाने में कई जगह पे एम्बलम की तरह भी यूज होता था. अब इसका मतलब क्या है? अगर ये कार्ड आता है तो इसका मतलब कि आपका रिलेशनशिप आपकी हेल्थ और हीलिंग से रिलेटेड पास्ट लाइफ से इन्फ्लुएंस हो रहा है. हो सकता है कि आपके क्वेरेंट को कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम हो जो उनके पिछले लाइफ से रिलेटेड हो और इसीलिए उनका जन्म हुआ कि वो इन सारे इश्यूज से डील कर सके. फिजिकल हेल्थ ने चैलेंजेस तो थ्रो किए, उनको हार्डशिप्स दी, उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर दी, लेकिन उसी के साथ एक बहुत गहरा लेवल उनको उनके अंदर कंपैशन का जागृत हुआ. और ये सब चीजें सिर्फ उस बीमारी की वजह से हुई, क्योंकि अगर वो हेल्दी होते तो वो इस बारे में सोचते भी नहीं. फिर ऐसे लोगों ने हीलिंग स्किल्स भी डेवलप कर ली है जो कि दूसरों की मदद कर सके. और कई लोग ऐसे में होते हैं जो खुद हीलर्स होते हैं. ये नॉलेज पिछली लाइफ से उन्होंने एक्वायर की थी जब ये दूसरों के लिए हीलिंग कर रहे थे. लेकिन तब क्या था कि जो इनके वर्ल्डली डिजायर्स थे, जो पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद की जरूरतें होती हैं, वो सारी इनकी कम्युनिटी ने संभाल ली थी. तो इसलिए इनको ये था कि हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस आए हो कि उन्हें और पैसा चाहिए हीलिंग वर्क के लिए, तो इस लाइफ में वो चैलेंजेस फिर आएंगे. और ये हेल्पफुल है क्यों? क्योंकि अब आपको तरीका पता है कि कैसे आप चीजें चेंज कर सकते हो. लाइक नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर क्लियर. अभी आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प करता है, देन हीलिंग की डिफरेंट मोडालिटीज हैं, अलग अलग मोडालिटी में आप अलग अलग रेमेडी सीखते हो, तो आप उससे अपनी ये सारी जरूरतें पूरी कर सकते हो. रीजन कि आप इस फील्ड में हो, आप ये नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी है. जैसे ऑकल्ट साइंसेस बहुत बड़ी है, इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बहुत सारी चीजें आती हैं. लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप किसी एक स्ट्रीम की तरफ आपका झुकाव है या किसी एक स्ट्रीम की तरफ आप आकर्षित हो रहे हो, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की कोई ब्रांच हो, तो ये फिर कहीं ना कहीं आपने एक्वायर किया है अपनी पास्ट लाइफ से. एंड दैट इज व्हाई इट कंटिन्यूज इन योर प्रेजेंट लाइफ एज वेल. नेक्स्ट कार्ड इज हाई प्रीस्ट और प्रीस्टेस. ये आप कार्ड देख सकते हैं. इसमें आप देखेंगे के हाँ जी ये कार्ड आप देख सकते हैं. इसमें आप देखेंगे कि एक लेडी है जो कि एक बहुत लंबा सा रोप पहन के खड़ी है. एंड शी हैज बोथ हर पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स. दोनों हाथ उनके ऊपर आसमान की तरफ फेस कर रहे हैं, जैसे वो हीलिंग एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं या मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं. तो अगर ये कार्ड किसी रीडिंग में आता है तो इसका मतलब कि आपको पहले से ही पता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में हाई प्रीस्ट या प्रीस्टेस रहे हैं. ज्यादातर लोग जिन्होंने ये रोल प्ले किया है उनकी एक कॉन्शियस सेंस होती है. वो इस आप ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल नॉलेज को रिटेन कर पाते हैं अपनी पास्ट लाइफ से. इसीलिए ये कार्ड आपके पास आ भी रहा है
और आपको ये इशारा कर रहा है कि आप अपने आप को और ज्यादा प्रैक्टिस में लेकर आए। तो ये टाइम है आपके लिए कि आप अपने स्पिरिचुअल पावर्स को दोबारा से रीइग्नाइट करें और उसको आप दूसरों को सर्व करने में यूज करें। अब आप दूसरों को सर्व कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें हील कर सकते हैं, आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, आप उन्हें उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये कार्ड आपको ये मैसेज देता है कि आपके अंदर, आपके मन में अगर कोई भी इनसिक्योरिटी है आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटी को लेके, या डर को लेके, या दूसरों के बिलीफ सिस्टम को लेके, तो उसे रिलीज करने का टाइम है कि आप उन सब चीजों को रिलीज कीजिए, क्योंकि आप वो नॉलेज अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं और दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाइए। ओके।